गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल फटाफट हिमाचल पर। अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाएं। साथ ही घंटी के बटन को और पर सेट करें ताकि इसी तरह की न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और हो सके तो वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक पर जरूर शेयर करें। 4 सितंबर को कैबिनेट बैठक में होगा स्कूल खोलने का फैसला, जाने क्या बोले शिक्षा मंत्री। हिमाचल में नई शिक्षा नीति टास्क फोर्स का गठन किया गया, हर जिला में टास्क फोर्स की बैठक होगी। इसकी शुरुआत मंगलवार को धर्मशाला में हुई, जिसकी अध्यक्षता शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अन्य जिलों में भी टास्क फोर्स की बैठकें होंगी और प्रदेश में बिल्कुल सही तरीके से इस नीति को लागू किया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने कहा 4 सितंबर को कैबिनेट बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्कूलों को खोलने पर निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा सितंबर माह तक के अंत तक पाठ्यक्रम कटौती का प्रारूप लागू कर दिया जाएगा। कोविड वैक्सीनेशन हिमाचल, सीएम जयराम बोले पीएम मोदी 6 सितंबर को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी देंगे हिमाचल को शाबाशी। वर्ष 2011 की आबादी के अनुसार हिमाचल प्रदेश ने 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के 53,70,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य पूरा किया है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य सरकार को बधाई दी है। उन्होंने लोगों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करने के लिए स्वीकृति भी दी है। पीएम मोदी 6 सितंबर को राज्य के कुछ अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी करेंगे। हिमाचल में 6 सितंबर तक बारिश, अगस्त महीने में मौसम ने मचाई तबाही। हिमाचल प्रदेश में बारिश अभी थमने का नाम नहीं ले रही। हिमाचल प्रदेश में 6 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से मंगलवार को जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में 6 सितंबर तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। वहीं आज बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिले के कुछ भागों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर, नौकरी के इच्छुक बेरोजगार 3 सितंबर को पहुंचे शाहपुर, साथ लाएं कोविड टीकाकरण का प्रमाण पत्र। ब्राइटवेयर अवर उद्योग जलंधर करेगी कैंपस इंटरव्यू। आईटीआई किए युवकों के लिए सुनहरा मौका। प्रदेश के बेरोजगार आईटीआई डिप्लोमा होल्डर युवाओं के लिए ब्राइटवेयर अवर उद्योग जलंधर में नौकरी पाने का अच्छा मौका है। ब्राइटवेयर अवर उद्योग जलंधर 3 सितंबर को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई शाहपुर में कैंपस साक्षात करने जा रही है। हिमाचल प्रदेश के कॉलेज के छात्रों के लिए बड़ी खबर, कॉलेजों में 1 सितंबर से लौटेगी रौनक, एसओपी का पालन जरूरी। अगली खबर जानते हैं क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में 1 सितंबर से कॉलेजों में नियमित कक्षाएं लगेंगी। एक कक्षा में शारीरिक दूरी का पालन करते हुए सिर्फ 50 विद्यार्थियों को ही बिठाया जाएगा। शिक्षा सचिव की ओर से पहले ही सभी प्रिंसिपलों को लिखित निर्देश जारी किए जा चुके हैं। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही विद्यार्थियों और शिक्षकों गैर शिक्षकों को प्रवेश करने को कहा गया है। फेस मास्क पहनना सभी के लिए अनिवार्य रहेगा। स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग की ओर से कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए बनाए गए एसओपी का सख्ती से पालन करना होगा। विभाग के अनुसार कॉलेज में सेकंड और फाइनल ईयर की कक्षाओं में विद्यार्थियों के रोल ऑन आधार पर दाखिले कर लिए गए हैं। यूजीसी के दिशा निर्देशानुसार 1 सितंबर से कॉलेजों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। सभी कॉलेज प्रिंसिपलों को 1 सितंबर से ऑफलाइन कक्षाएं लगाने को लिखित पत्र जारी कर दिया गया था। उच्च शिक्षा निदेश की ओर से प्रिंसिपलों को हिदायत दी गई है कि विद्यार्थियों को परिसरों में एकत्र न होने दें। कक्षा की क्षमता के हिसाब से 50% विद्यार्थियों को भी एक कमरे में बिठाया जाएगा। विद्यार्थी अधिक होने की सूरत में अन्य कमरों में बिठाकर कक्षाएं ली जाएंगी। बड़े कॉलेजों में प्रिंसिपलों को विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से टाइम टेबल बनाने की छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि कक्षाओं को नियमित आधार पर सैनिटाइज करने के लिए भी कहा गया है। हर कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से माइक्रो प्लान बनाया जाएगा। वहीं सूबे के बड़े कॉलेजों में एक दिन छोड़कर विद्यार्थी बुलाए जाने की योजना है। हिमाचल प्रदेश के चुनावों को लेकर बड़ी खबर, जनजातीय क्षेत्रों में बजा पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव का बिगुल, जाने पूरा शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में होंगे पंचायती राज चुनाव, जानिए कब क्या होगा। आयोग की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार 13, 14 और 15 सितंबर को 11 से 3 बजे तक नामांकन भरे जाएंगे। 16 सितंबर 2021 को सुबह 10 बजे से नामांकन पत्रों की छंटनी होगी। 18 सितंबर 2021 को प्रत्याशी नामांकन वापस ले सकेंगे। इसी दिन चुनाव चिन्ह आवंटित होंगे। 13 सितंबर या इससे पहले सभी मतदान केंद्रों की सूची जारी होगी। हिमाचल प्रदेश में कुरियर से नशे की सप्लाई, पुलिस ने 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। हरियाणा के रोहतक से चिट्टा पहुंचता था पहले बिलासपुर और उसके बाद शिमला। हिमाचल प्रदेश में नशे की तस्करी के लिए नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। अब शिमला पुलिस ने कुरियर के माध्यम से हेरोइन की सप्लाई करने वाला तस्कर का पर्दाफाश किया है, साथ ही 3 तस्करों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने यह कार्रवाई पहले पकड़े गए एक हीरोइन तस्कर से पूछताछ के बाद की। पुलिस ने 24 अगस्त को शिमला के हीरानगर में HRTC की बस में सफर कर रहे बिलासपुर के युवक 20 साल के गौरव से चिट्टा बरामद किया था और उसे गिरफ्तार किया था। अगली बड़ी खबर, हिमाचल की स्नेहा नेगी ने यूथ एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल। स्नेहा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के सांगला की रहने वाली हैं। स्नेहा की जीत के समूचे हिमाचल में खुशी का माहौल है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की युवा बॉक्सर स्नेहा नेगी ने यूथ एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है।
66 किलोग्राम बार वर्ग में स्नेहा ने गोल्ड मेडल भारत की झोली में डाला। स्नेहा ने फाइनल मुकाबले में यूए की बॉक्सर को हराया। दुबई में एशिया यूए मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है। अगली बड़ी खबर, खड़ी कार को टक्कर मारने के बाद गोभी के खेत में उतरा ट्रक, चालक की मौत। लाहौल के सिस्सू में ट्रक हादसे में ड्राइवर की मौत हुई। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में एक हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई। हादसा देर रात हुआ। पुलिस ने मामले दर्ज कर लिया है और पड़ताल कर रही है। जानकारी के अनुसार लाहौल के सिस्सू में शाशेन गांव में सोमवार रात केलांग की तरफ से मनाली एक ट्रक जा रहा था। इस दौरान ट्रक चालक ने हाईवे किनारे खड़ी कार को टक्कर मार दी। बाद में अनियंत्रित होकर ट्रक खेत में उतर गया। घायल हालत में चालक को केलांग अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई।